नमस्कार बच्चों आज हम आपकी पुस्तक वसंत भाग एक का पहला पाठ पढ़ेंगे यह एक कविता है जिसका नाम है वह जो इसे लिखा है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने बच्चों आपने अपने आसपास बहुत से पशु व पक्षी देखे होंगे पशु जैसे चूहा बिल्ली कुत्ता बकरी गाय ये सब हम रोज ही देखते हैं इसी तरह हम कई पक्षी भी रोज देखते हैं क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे उनके रंग बता पाएंगे तो चलिए देख लेते हैं अब देखिए कुछ पक्षियों के नाम आपको दिखाए जा रहे हैं उनमें से आपने बताना है कि ये पक्षी एक ही रंग के होते हैं या इनके शरीर पर कई रंग होते हैं पहले जैसे है तोता। सोचिए जरा तोते के शरीर पर कितने रंग होते हैं? एक ही रंग या ज्यादा चोंच किस रंग की होती है तोते की लाल ना और उसका शरीर शरीर हरे रंग का होता है उसके बाद है मैना मैना कौन से रंग की होती है बच्चों हल्के काले रंग की होती है उसके बाद सोचिए जरा कौए के बारे में कौआ तो सबने देखा है कौन से रंग का होता है कौआ हाँ काले रंग का होता है उसके बाद सोचिए जरा बतख के बारे में बतख के शरीर में तो एक रंग नहीं होता मेरे हिसाब से बताइए जरा चोंच कैसी होती है बतख की हल्की पीली उसके पाव पाव भी हल्के पीले रंग के होते हैं लेकिन उसका शरीर कैसा होता है बच्चों वह सफेद रंग का होता है इसके बाद एक और पक्षी है जो आप रोजी देखते हो कबूतर कबूतर का शरीर बच्चों किस रंग का होता है सलेटी रंग का और उसकी आंखें लाल रंग की होती हैं। उसके पाव हल्के से गुलाबी रंग के और उसकी गर्दन पर भी हल्की काली थोड़ी सी काली माँ होती है काले रंग की होती है बहुत अच्छा बहुत बढ़िया तो बच्चों इस कविता में भी कवि एक विशेष प्रकार की चिड़िया के बारे में हमें बता रहे हैं वह चिड़िया नीले रंग की है उसके पंख नीले हैं। केवल उसके रंग ही नहीं कविता में कवि ने हमें उसके साथ साथ चिड़िया के क्रियाकलापों के बारे में भी बताया है और उसके साथ साथ उसके गुणों का भी वर्णन किया है अर्थात चिड़िया क्या खाती है कैसे रहती है और उसे क्या क्या पसंद है यह सब हमें कवि ने इस कविता के द्वारा बताया है तो आइए बच्चों कविता पढ़ना शुरू करते हैं आप भी मेरे साथ साथ कविता बोलने की कोशिश करें एक पंक्ति मैं बोलती हूं तो उसके बाद आप उसे दोहराएं। कविता ऐसे है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे अन्न से बहुत प्यार है अगली पंक्तियां हैं वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है अगली पंक्तियां हैं वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है तो कविता तो समाप्त हो गई बच्चों क्या आपने ध्यान दिया कि कवि अपने आप को एक चिड़िया मान रहा है वह कहता है वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूं अर्थात वह अपने अंदर की काल्पनिक चिड़िया के गुणों की बात कर रहा है अर्थात उसने चिड़िया के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है और यह संदेश भी दिया है कि एक मनुष्य के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए बच्चों जो बात मैंने अभी कही उसका विस्तार हम आगे जानेंगे जैसे जैसे हम कविता के बारे में बात करेंगे आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे तो आइए फिर से कविता पढ़कर उसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे हम चिड़िया के बारे में बात करेंगे आपको ध्यान रखना है कि चिड़िया में कौन कौन से गुण हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगी आपने बताना है कि चिड़िया में कौन से गुण हैं। ध्यान से सुनिए और सोच समझकर उत्तर दीजिएगा वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे अन्न से बहुत प्यार है तो बच्चों कवि क्या कहता है कवि कहता है कि चिड़िया जुंडी के दानों को बड़ी रुचि से और बड़े रस से खा लेती है अर्थात बहुत पसंद के साथ स्वाद लेकर खा लेती है जुंडी अर्थात ज्वार होता है बच्चों जो कि एक अनाज है अनाज जैसे गेहूं एक अनाज है बाजरा एक अनाज है मक्का भी एक अनाज है वैसे ही ज्वार भी एक अनाज का नाम है जुंडी के दानों को यहाँ कवि ने दूध भरा कहा है तो इसका मतलब है बच्चों जब हम किसी भी अनाज के दाने को जब वह कच्चा होता है उसे दबाने की कोशिश करें तो उसमें से दूध जैसा एक द्रव्य निकलता है कवि उसी की बात कर रहे हैं कि चिड़िया जुंडी के कच्चे दाने भी स्वाद लेकर उन्हें पसंद करते हुए खा लेती है क्यों खा लेती है क्योंकि वे संतोषी है वह थोड़ा और जैसा भी मिले जैसा भी खाने को मिले उसे खा लेती है तो ये चिड़िया का गुण है तो आप बताइए इस गुण से हमें चिड़िया के बारे में क्या पता चलता है कि जो कुछ भी मिले उसी में खुश रहना चाहिए या हम कह सकते हैं कि जैसा हमें खाने को मिले जैसा रहने को मिले उसी में हमें संतोष कर लेना चाहिए अच्छा चिड़िया संतोष क्यों कर लेती है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप कवि कहते हैं कि चिड़िया ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे अन्न से प्यार है अर्थात वह अन्न का निरादर नहीं करती उसे जो मिले उसे प्रेम से स्वीकार कर लेती है अंत में कवि कहते हैं कि वह संतोषी चिड़िया वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूं इसके द्वारा कवि क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों हां आप में से कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं कभी हमें बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को भी चिड़िया की तरह संतोषी होना चाहिए जो भी उन्हें खाने को मिले जो भी जीवन में मिले उसी में संतोष और सब्र करना चाहिए तो बच्चों सबसे बड़ा प्रश्न अब मैं पूछने जा रही हूं आपसे और वह है कि क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं जो भोजन में आपको खाने को दिया जाए क्या उसे आप प्रेम से संतोष से खा लेते हैं या कुछ और की कामना करते रहते हैं तो बच्चों हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो मिले उसी में प्रसन्न रहना चाहिए ये गुण एक मनुष्य में होने चाहिए तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा छंद पढ़ते हैं दूसरा छंद है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे विजन से बहुत प्यार है बच्चों इन पंक्तियों में कवि विस्तार से बता रहे हैं कि चिड़िया जब जंगल में होती है तो वह कैसा व्यवहार करती है वह गाती है और कंठ खोलकर अर्थात ऊंचे स्वर में गाती है बच्चों आपको यदि जंगल के वातावरण के बारे में कुछ पता हो तो आप सोचकर बताइए कि जंगल में कौन होता है जंगल में पेड़ होते हैं पशु पक्षी होते हैं लेकिन क्या मनुष्य वहां जाते हैं क्या वहां चहल पहल होती है जैसा कि हमारे शहरों में और गांव में होती है नहीं वहां कोई चहल पहल नहीं होती जंगल ज्यादा समय के लिए एकदम शांत सुनसान चुपचाप पड़े रहते हैं लेकिन वह चिड़िया उस जंगल में भी रस उडेल कर यानी मिठास से भरा हुआ गीत ऊंचे स्वर में गाती है तो किसके लिए गारी होगी वहां पर कोई है तो नहीं वहां पर तो किसके लिए गाती है वे कवि कहता है कि वे बूढ़े वन के लिए ही गा लेती है यहाँ पे वन को बच्चों बूढ़ा कहा गया है क्योंकि न जाने कितने वर्षों से वे वहां खड़ा है किसी को नहीं पता कि उसकी उम्र क्या है इसलिए उसे बूढ़ा जंगल कहा गया है कोई भी उसका गीत सुनने वाला वहां नहीं है तो भी वह बूढ़े वन के लिए ही मधुर स्वर से गाती है अर्थात चिड़िया किसी दूसरे के लिए किसी दूसरे की खुशी के लिए यह कार्य करती है चलिए आगे बढ़ते हैं चिड़िया जो सुनसान जंगल में उमंग से गाती है मधुर आवाज में गाती है तो उसकी आवाज से जंगल भी प्रसन्नता से भर जाता है तो बच्चों किस गुण के बारे में हमें यहाँ पे पता चल रहा है चिड़िया का कौन सा गुण आपने देखा इस घटना इस में कि वह हर परिस्थिति में खुश रहना जानती है जंगल में कोई नहीं फिर भी वह उदास नहीं होती इस स्थिति में भी प्रसन्नता से गाते हुए वह रहती है और वह ऐसा क्यों करती है कवि कहते हैं वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे विजन से अर्थात एकांत से सुनसान स्थान से भी प्यार है तो प्रश्न ये है मेरा आपके लिए क्या आपने यहां से क्या सीखा इस बात से क्या सीखा कौन सी कौन सी बातें सीखी आपने सोचिए सोचिए अगली पंक्तियां हैं वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चिड़िया अपनी प्यास बुझाने के लिए चढ़ी नदी के पास चली जाती है अर्थात ऐसी नदी जिसमें लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, उसके पास जाकर उसका दिल टटोलकर, अर्थात नदी के बीचों बीच जाकर जल की एक बूंद ले आती है इससे बच्चों चिड़िया का कौन सा गुण प्रकट हो रहा है क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ऊंची लहरों वाली नदी के बीच में से पानी भर के ले आओ नहीं ना ऐसा करने के लिए हमें बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है तो चिड़िया बहुत हिम्मती है गर्बीली शब्द का प्रयोग किया है कवि ने उसके लिए गर्बीली गर्व करने वाली अर्थात अपने पर विश्वास करने वाली उसे अपने पर विश्वास है तभी यह कार्य कर पाती है वह नदी की ऊंची लहरों से डरती नहीं बहुत हिम्मत रखती है इससे भी हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों चिड़िया के बारे में एक और बात क्या पता चलती है कि उसे अपने पूरे पर्यावरण से जिसमें कि नदी भी शामिल है उसे नदी से भी प्यार है इसलिए वह नदी से जरा भी घबराती नहीं डरती नहीं और उसके पास झट से चली जाती है तो इसी तरह हमें भी होना चाहिए मैं नहीं बताऊंगी पहले आप बताएंगे चिड़िया के इस व्यवहार से हमें क्या सीखने को मिलता है पहली बात बताइए कि हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कुछ भी कठिनता हमारे सामने हो कोई भी कठिनाई चाहे हो हमें बहादुरी से अपने पर गर्व रखते हुए उसका सामना करना चाहिए और हम उसमें फिर अवश्य ही विजयी होंगे जैसे कि चिड़िया भी विजयी होकर पानी की बूंद ले आती है दूसरी बात बच्चों वही है कि हमारा पर्यावरण जैसा भी है हमें अपने पर्यावरण की हर वस्तु से हर चीज से लगाव होना चाहिए प्यार होना चाहिए तो बच्चों आइए एक बार फिर से कविता पढ़कर उसका आनंद लेते हैं वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे अन्न से बहुत प्यार है अगली हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे विजन से बहुत प्यार है अगली पंक्तियां हैं वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे नदी से बहुत प्यार है तो आइए कुछ बातचीत हो जाए पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये कविता कैसी लगी अच्छी लगी ना ठीक है बच्चों तो मुझे बताएं कि आपको इस कविता का शीर्षक कैसा लगा शीर्षक यानी कविता का नाम थोड़ा अलग तरह का नहीं लगता आपको कविता का नाम है वह चिड़िया जो यह एक अधूरा वाक्य है अधूरा वाक्य है मतलब कवि इसके बारे में आगे हमें कविता के अंदर बताते हैं लेकिन शीर्षक के रूप में यह एक अधूरा वाक्य है वह चिड़िया जो जैसे इसके बाद कुछ कहना हो क्या आप कोई और शीर्षक सुझा सकते हैं जो कि इस कविता के लिए उपयुक्त हो बताइए बताइए कौन सा शीर्षक हो सकता है तो आप शीर्षक दे सकते हैं जैसे कि नीले पंखों वाली चिड़िया गर्बीली चिड़िया साहसी चिड़िया या संतोषी चिड़िया कुछ भी हो सकता है तो जरा आप मुझे अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए देखें आपको याद है या नहीं कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है बताइए बच्चों कौन सी चीजें हैं याद करिए हाँ उसे अन्न से प्यार है सुनसान जंगल से प्यार है और बहती हुई नदी से भी प्यार है बिल्कुल सही तो बच्चों अब जरा इस पंक्ति को देखिए देखें आपको इसका अर्थ समझ आया या नहीं पंक्ति है रस उड़ेल कर गा लेती है क्या अर्थ है इसका बच्चों? इसका अर्थ है कि चिड़िया सुनसान जंगल में भी बड़े मधुर स्वर से बूढ़े जंगल के लिए ऊंचे स्वर में गीत गाती है अगली पंक्ति है बच्चों, चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है इसका अर्थ क्या है बच्चों? बताओ जरा इसका अर्थ है कि चिड़िया ऊंची लहरों वाली नदी में जाकर मोती रूपी छोटी सी जल की बूंद ले आती है क्योंकि उसे नदी से प्यार है आगे बढ़ते हैं बच्चों कविता के आधार पर आप मुझे बताइए कि चिड़िया में कौन कौन से गुण है गुणों की बात हो रही है बच्चों बताइए एक एक करके चिड़िया सबसे पहले नीले पंखों वाली है फिर हम कह सकते हैं वह संतोषी है मु बोली है गर्बीली है तो बच्चों जो ये शब्द हैं गर्बीली मुँह बोली और संतोषी ये सब चिड़िया के गुणों का वर्णन कर रहे हैं आप भी अपने किसी मित्र या साथी के गुणों के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं उसमें वो लंबा है होशियार है मोटा है पतला है समझदार है बातूनी है ये सब बातें आप बता सकते हो ना अपने मित्रों के बारे में तो बच्चों ये सारे शब्द जो हमें किसी के बारे में कुछ बताएं उसके गुण बताएं या दोष बताएं हम व्याकरण में इन्हें विशेषण कहते हैं तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताएं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं आइए जरा इन रिक्त स्थानों को देखिए मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर फूलों वाली क्यारी स्कूल वाला रास्ता हंसने वाला बच्चा वाला आदमी बच्चों यहाँ पर वाला शब्द जोड़ के विशेषण बनाए गए हैं मोरों वाला बाग बाग की विशेषता है पेड़ों वाला घर घर की विशेषता है इसी प्रकार आगे भी विशेषताएं बताई गई हैं तो रिक्त स्थान या खाली स्थान आपको क्यों दिए गए हैं कि आप इसमें एक एक विशेषण और जोड़ें। तो ये मोरों वाला बाग यहां आप क्या विशेषण जोड़ सकते हैं सुंदर मोरों वाला बाग या रंग बिरंगे मोरों वाला बाग पेड़ों वाला घर कैसे होते हैं पेड़ बच्चों बड़े घने या हरे भरे है ना तो हम लिखेंगे हरे भरे फिर है फूलों वाली क्यारी फूल कैसे होते हैं खुशबूदार रंग बिरंगे सुंदर तो हम लिखेंगे सुंदर फूलों वाली क्यारी अगला शब्द है स्कूल वाला रास्ता यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों नए स्कूल वाला बड़े स्कूल वाला या पुराने स्कूल वाला तो हम लिखेंगे पुराने स्कूल वाला रास्ता उसके बाद है हंसने वाला बच्चा यहां क्या लिखेंगे कम हंसने वाला या ज्यादा हंसने वाला या जोर जोर से हंसने वाला तो हम लिखेंगे जोर जोर से हंसने वाला बच्चा उसके बाद है मूछों वाला आदमी बच्चों आपने अपने घर में देखा होगा बड़े बूढ़ों की दादाजी की ऊछे होंगी शायद तो कैसी मूछे बड़ी वाला आदमी आइए आगे चलते हैं आगे कुछ प्रश्न देखते हैं ये प्रश्न बच्चों इस तरह से है जरा ये पंक्तियां सुनिए वह चिड़िया जो जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है वह चिड़िया जो रस उडेल कर गा लेती है यहाँ पर गहरे रंग में लिखे हुए शब्द हैं रुचि से और रस उडेल कर रुचि से क्या करती है खा लेती है तो खाना क्या है बच्चों एक क्रिया है तो क्रिया की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि किस प्रकार चिड़िया खाती है रुचि से खाती है तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं तो रुचि से शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है क्योंकि वे क्रिया की विशेषता बता रहा है अगला वाक्य जो बोला था वे था चिड़िया रस उडेल कर गा लेती है गाना यहाँ पर क्रिया है उसकी विशेषता क्या है बच्चों रस किस तरह से गाती है रस तो रस उड़ेलकर क्रिया विशेषण हो गया कुछ और वाक्य देखिए सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी दूसरा गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई तीसरा भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा चौथा कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी पांचवा वाक्य है बच्चों टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा वाक्य सहम कर कोने में बैठ गया और अगला वाक्य है आज अचानक ठंड बढ़ गई है बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले भी हम जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं बच्चों क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं, जैसे कि इन वाक्यों में देखिए पहला वाक्य है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी इसमें बच्चों बताओ क्रिया शब्द क्या है क्रिया शब्द है ठूसने लगी या खाने लगी तो इसकी क्या विशेषता है किस तरह से ठूसने लगी बताइए जल्दी जल्दी सही कहा आपने क्रिया करने का तरीका क्या है जल्दी जल्दी तो जल्दी जल्दी शब्द यहां पर क्रिया विशेषण है दूसरा वाक्य देखिए गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई पहले आपको क्रिया पहचाननी है क्रिया पहचानिए चली गई कुछ बच्चों ने सही कहा तो चली गई किस प्रकार चली गई उसके लिए शब्द क्या है वह ढूंढ के बताइए लुढ़कती हुई बहुत अच्छे लुढ़कती हुई यहाँ पर क्या हुआ क्रिया विशेषण बहुत अच्छा बच्चों इसी तरह अगले भी वाक्यों के उत्तर दीजिए भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा सामान्य होने लगा यहाँ पर क्रिया है ठीक है पहचान लिया आपने किस तरह से सामान्य होने लगा आपने प्रश्न करना है क्रिया के साथ प्रश्न करना है जब आपको उत्तर मिले जिस शब्द से उत्तर मिले वही शब्द क्रिया विशेषण होगा तो बताइए सामान्य कैसे होने लगा धीरे धीरे जी हां तो धीरे धीरे शब्द यहां पर क्रिया विशेषण हुआ चौथा वाक्य है कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी जल्दी से बताओ क्रिया क्या है यहां पर गिरना गिरी गिरी शब्द क्रिया को बता रहा है तो इसका क्रिया के होने का प्रकार क्या है धप से कुछ बच्चों को समझ आ रहा है कुछ बच्चे उत्तर भी दे रहे हैं बहुत अच्छे धप से यहां पर क्रिया विशेषण हुआ अगला वाक्य है बच्चों टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा अब तक तो आपको पहचान हो गई होगी क्रिया विशेषण शब्दों की तो झपटा इसमें क्रिया है बताइए किस तरह से हो रही है यह क्रिया फुर्ती से बहुत अच्छे तो उत्तर है हमारा फुर्ती से अगला वाक्य है बच्चों तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया बैठ जाना तो क्रिया हो गई आसान क्रिया है इसका आप बताइए कि क्रिया विशेषण कौन सा है किस प्रकार हुई क्रिया सहमकर कैसे बैठ गया तजिंदर सहमकर तो सहमकर क्या हुआ बच्चों क्रिया विशेषण बहुत अच्छे अंतिम वाक्य देखिए आज अचानक ठंड बढ़ गई क्या क्रिया हो रही है इस वाक्य में ठंड बढ़ रही है ठंड बढ़ गई ये क्रिया शब्द है तो किस प्रकार बढ़ी इसका उत्तर दीजिए बहुत आसान है सामने ही है अचानक बहुत अच्छा बच्चों इसका उत्तर है अचानक इसमें क्रिया विशेषण है बहुत अच्छे आइए अब और गतिविधियों की ओर बढ़ते हैं अब हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिनके अर्थ एक समान हो इन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं बच्चों कविता में कुछ शब्द आए हैं उनके पर्यायवाची बताने की कोशिश करिए पहला शब्द है चिड़िया चिड़िया को हम और क्या कह सकते हैं चिड़िया को हम पक्षी या पंछी भी कहते हैं फिर है जंगल जंगल के कोई और शब्द बताइए और किन नामों से जानते हैं हम जंगल को जंगल को हम वन कहते हैं या एक और शब्द है कानन कानन भी कहते हैं फिर है अन्न अन्न को बच्चों हम अनाज कहते हैं धान्य भी कहते हैं एक बहुत ही प्रचलित शब्द है नदी नदी को आप और क्या कह सकते हैं नदी को हम सरिता कहते हैं और क्योंकि वह बहती है उसमें प्रवाह है इसलिए हम उसे प्रवाहिनी भी कहते हैं फिर शब्द है बच्चों जल जल के लिए कोई पर्यायवाची बताइए यह तो आपको आने चाहिए जल को हम नीर कहते हैं नीर के अलावा हम उसे सलिल भी कहते हैं और बहुत ही प्रचलित शब्द पानी भी है बच्चों चिड़िया को बहुत सी चीज़ों से प्यार था प्यार शब्द का क्या अर्थ है उसके कोई पर्यायवाची बताइए प्यार का पर्यायवाची एक तो प्रेम हो सकता है एक और सोचिए प्रीति हो सकता है ठीक है उसके बाद अगले शब्द पर आते हैं जो कि है दिल दिल के दो पर्याय बताइए सोचिए जल्दी से दिल को हम हृदय कहते हैं बहुत अच्छे और एक और शब्द सीखिए दिल को हम उर् कहते हैं तो बहुत बढ़िया रही ये भी गतिविधि बच्चों तो बच्चों हमारा पाठ अब समाप्त होता है आशा है आपको कविता अच्छी लगी होगी और जो बातें कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है वे आपको समझ आ गई होंगी धन्यवाद नमस्कार